फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी यू, द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, द आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन इज डेरिवेशन ऑफ टेन माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू पावर थ्री बाई टू इज इक्वल टू, आंसर इज ऑप्शन डी. फोर्थ क्वेश्चन इज इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री कोस थीटा माइनस टू कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर इज ऑप्शन डी. फिफ्थ क्वेश्चन इज थ्री इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, द एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज, आंसर इज ऑप्शन बी. द क्वेश्चन नंबर सिक्स द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एफ अबाउट वन कॉमा वन हुज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स आर 20 kg ईच एंड एक्ट्स एट 5 एंड 4 इज, द आंसर इज इन डाउट. क्वेश्चन नंबर सेवन ए बी सी डी इज अ रिक्टेंगल विद ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर बी सी इज इक्वल टू 3 मीटर अलोंग ए बी बी सी सी डी डी ए एंड ए सी एक्ट फोर्सेज 2, 7, 6, 10 एंड 5 kg रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट ए, द आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर एट इज टू फोर्सेज एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, the greater is represented by 80 kg and the resultant is at right angle to lesser, find the latter, the answer is option A. Question number 9 is two forces equal to 3 pkg and pkg respectively act at A point, if the second is doubled and the first increased by 8 kg the direction of the resultant remains unaltered, what is the value of P? Option is D. D is the right option. Question number 10 is if z is equal to under root 3 plus I upon 2, the value of z raised to power 110 plus I raised to power 103 whole raised to power 105 is, and the answer is option A. Question number 11 is the square root of 4 plus 3I is, and the answer is option number B. सब्जेक्ट्स के आंसर की सब तो पहला पाउंडली सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन टाइम से सब तो पहला पाउंडली तुम साडे फेसबुक या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विचों मिल जाएगा. थैंक यू.